थाने में फिल्म हर हर महादेव के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। वहां एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड अपने समर्थकों के साथ थिएटर पहुंच गए और फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी। थिएटर के अंदर कुछ लोगों के साथ हाथापाई की भी खबर है। एनसीपी का आरोप है कि फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की गई और फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है। नाराज एनसीपी कार्यकर्ताओं ने थिएटर से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर हाथापाई भी हुई। थिएटर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने बंद कराई है फिल्म। एनसीपी नेता जा पहुंचे थिएटर और उन्होंने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया है और हाथापाई की भी खबर है। देखिए जरा किस तरह से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तो एक तरफ जहां ये फिल्म सुर्खियां बटोर रही है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और समर्थक इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। दो तस्वीरों को रख रहे हैं। देखिए थाने में एनसीपी कार्यकर्ताओं का यह हंगामा, जहां नेता जितेंद्र आव्हाड पहुंच गए समर्थकों के साथ जमकर वहां पर काफी हुड़दंग भी हुआ, हाथापाई भी हुई। जितेंद्र आव्हाड ने बंद करा दी फिल्म। स्क्रीनिंग पर दर्शक वहां पर पहुंचे हुए थे और उनको बाहर भी निकाल दिया। हाथापाई की भी खबर है। ये फिल्म पर्दे पर है, दर्शक थिएटर में थे, लेकिन बवाल मच गया किस तरह से। और जितेंद्र आव्हाड का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्या है उनकी प्रतिक्रिया, आपको हम सुनवाते हैं। ये चित्रपट जो बताया जा रहा है उसमें पूरे इतिहास का विद्रूपीकरण किया है, जो शिवाजी महाराज के निजी जिंदगी में हुआ ही नहीं, जो इतिहास में कभी देखा ही नहीं, तो इतिहास में कोई संदर्भ ही नहीं, ऐसे चित्रपट आप इतिहास करके दिखाने लगोगे तो उसका धिक्कार होना ही चाहिए। और वो धिक्कार ऐसा ये चित्रपट महाराष्ट्र ने नहीं स्वीकारना चाहिए, जिसमें पूरा इतिहास तुमने गंदा कर रखा है। इतिहास वो क्यों दिखाना चाहिए, वो क्यों देखना चाहिए? मैं समर्थन करने वालों से पूछता हूं, जरा देखो, जाके किताब पढ़ो और बताओ कि इसमें सच और झूठ क्या है।